अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज हमारी एक और क्लास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने ये देखा था कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये क्या होता है, वर्ड क्या होता है, ऑफिस और वर्ड में क्या फ़र्क होता है, और वर्ड को हम क्यों यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करने का हमें क्या फ़ायदा है, और इसके अलावा मैंने आपको इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस समझाया था कि आपके इस सॉफ्टवेयर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको आप क्या कह के बुलाते हैं। सही, क्योंकि वो हमारे लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है इंटरफेस, ताकि क्योंकि कुछ एरर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर आपको एरर देता है, तो आपको ये अगर जगहों के नाम पता होंगे कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, तो आप उस एरर को पढ़ के समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ में एरर बता रहा है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइपिंग। सही, आप वर्ड में टाइप कैसे करते हैं और उस सिलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बहुत बिगिनर से स्टार्ट करें, अगर किसी को कंप्यूटर नहीं भी चलाना आता और ये सॉफ्टवेयर्स वर्ड बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं आता, कभी भी उसने यूज़ नहीं किया, तो वो कैसे इसको यूज़ करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने एक कीबोर्ड होता है। ठीक, उस कीबोर्ड में आपको बहुत सारे कीज़ नज़र आती हैं। ठीक है, कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जिसके ऊपर दो मार्क्स बने हुए होते हैं। अच्छा, जो आपका कीबोर्ड होता है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे टॉप वाली अगर आप लाइन देखते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड की, तो उसमें आपके पास एक एस्केप की होती है, और उसके बाद सारी फंक्शनल कीज़ होती हैं, F1, F2, F3, F4 से लेकर F12 तक आपको वो नज़र आती है। उसके नीचे आप आएंगे तो आपको अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं क्वालिटी कीपैड सेटिंग में। ABCD की सेटिंग में ये नहीं होता, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होते, ये अपनी क्वालिटी की सेट अरेंजमेंट में होता है। उसके ऊपर आप देखते हैं तो आपको नंबर्स नज़र आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। उसके अलावा आगे आपको माइनस प्लस नज़र आएगा, उसके आगे बैक स्पेस नज़र आता है, तो एक चीज़ होता है। तो आपको कुछ भी टाइप करना है, तो देखें टाइप हम किस तरह से करते हैं। कुछ भी आपको टाइप करना है तो मैं यहाँ से टाइप कर दूंगा। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया माई नेम इज़ अली, ठीक है, या अली रहमान, तो ये मैंने टाइप कर दिया। अब सपोज़ मुझे ये जो अली और रहमान का ए कैपिटल और आर कैपिटल लिखना है, तो किसी वर्ड को आप कैपिटल करने के लिए क्या करते हैं, आप उस वर्ड पे जाएंगे। मैं ये कैसे जा रहा हूँ, आपके कीबोर्ड में कर्सर कीज़ होती हैं। कर्सर कीज़ वो कीज़ होती हैं जैसे आपके कीबोर्ड में अप डाउन लेफ़्ट राइट, ऊपर जाने की नीचे जाने की, लेफ़्ट साइड पर जाने की राइट साइड पर जाने की, आपको की नज़र आ रही होती है, तो आप उससे टेक्स्ट को ऊपर मतलब अपने कर्सर को आगे पीछे ले जा सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, अच्छा, कोई वर्ड आपको डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे। देखें, आपकी कीबोर्ड में दो कीज़ होती हैं, एक होती है बैक स्पेस और एक होती है डिलीट। इन दोनों का काम ये होता है कि अगर आप बैक स्पेस यूज़ करते तो बैक स्पेस अगर आप की देखें तो उसमें एक एरो बना हुआ होता है लेफ़्ट साइड पे जाता हो, तो बैक स्पेस क्या करता है, लेफ़्ट साइड से जो ऑब्जेक्ट होता है या जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको डिलीट करना शुरू कर। देखिए, मैं लेफ़्ट साइड से डिलीट कर रहा है, नेम का AME इसने डिलीट कर दिया। और अगर आप डिलीट की यूज़ करेंगे तो वो डिलीट क्या करता है, आपके राइट साइड वाले ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता है, यानी कर्सर क्या, ये जो कर्सर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये जो ब्लिंक कर रहा होता है ये कर्सर कहलाता है। ठीक है, तो ये जो कर्सर है इसके राइट साइड वाला पार्ट आपको डिलीट करना है, तो आप डिलीट की को यूज़ करेंगे, और अगर आपको लेफ़्ट साइड वाले ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अच्छा, दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जो पहले लिखा हुआ था वो आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर की को यूज़ करेंगे Ctrl+Z। जब आप Ctrl+Z करते हैं तो Ctrl+Z शॉर्टकट की होती है अंडू की। अंडू का मतलब अंडन, के जो आप कुछ आपसे गलती हो गई वो आप नहीं चाहते कि वो हो, तो आप Ctrl+Z कर देते हैं, मतलब आप एक प्रीवियस स्टेट में पीछे जाना चाहते हैं, कोई गलती हो गई उसको सही करना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दें Ctrl+Z। तो देखिए, मैं Ctrl+Z करके बार बार ही मैं प्रेस कर रहा हूँ, जितनी उससे गलतियाँ होती हैं मैं वो वापस ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करके, जो बैक स्पेस की होती है इस पर मैंने प्रेस किया, तो ये ए डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कैपिटल में लिखना चाहता हूँ, तो कैपिटल में लिखने के दो तरीके होते हैं। आपके कीबोर्ड में एक कैप्स लॉक की होती है। कैप्स लॉक क्या करता है, आप कैप्स लॉक अगर ऑन करते हैं, कैप्स लॉक आपने एक बार प्रेस किया और आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो सब कैपिटल में लिखा हुआ आएगा आपके पास, तो ये काम होता है कैप्स लॉक का। उसके बाद अगर आप कोई सिंगल टेक्स्ट, मैंने अब कैप्स लॉक अपना कीबोर्ड का जो है वो ऑफ कर दिया है,
तो अब अगर मुझे कुछ टेम्परली जो है वो कैपिटल लिखना है, यानी मुझे एक वर्ड को ही कैपिटल लिखना है, तो मैं उस वर्ड को शिफ्ट के साथ प्रेस कर दूंगा, तो ये कैपिटल आ गया। देन फिर मैं जाके यहाँ से स्मॉल आर कैपिटल करना, तो शिफ्ट के साथ मैंने आर को प्रेस किया तो ये आर कैपिटल आ गया। देन मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। उसके अलावा आपके कीबोर्ड में कर्सर कीज़ मैंने बताई, स्पेस बार आपके कीबोर्ड में होता है, तो स्पेस बार का क्या काम होता है, जैसे यहाँ पर मैंने एक कुछ इस तरह से बैक स्पेस करके डिलीट कर दिया, अब मुझे इन दो वर्ड्स के दरमियान गैप देना है, तो आप स्पेस बार प्रेस करते हैं तो वो एक लेटर की स्पेस दे देता है। आप दोबारा स्पेस बार प्रेस करते हैं, एक और लेटर की स्पेस आ जाती है। स्पेस बार स्पेस बार स्पेस बार करके आप स्पेसेस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है, आप हर वर्ड के दरमियान सिर्फ एक स्पेस दें, एक से ज़्यादा स्पेस हम नहीं देते किसी भी लेटर में, ठीक है। कि कोई भी वर्ड आपको लिखना है आप एक स्पेस दें बस, उससे ज़्यादा स्पेस नहीं देनी आप। अच्छा, उसके अलावा आपके कीबोर्ड में आप कैप्स लॉक के ऊपर देखेंगे तो एक टैब की होती है। टैब ये करता है कि टैब भी स्पेस देता है, बट टैब की जो स्पेस होती है वो स्पेसिफिक होती है। आपका हमेशा जो टैब होगा वो 0.5 इंचेस का स्पेस देता है लेटर्स के दरमियान, देखिए 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा स्पेसेस देनी है तो आप टैब को यूज़ करते हुए, ये बेसिकली टैब्स लगे होते हैं हमारे पास, अभी हिडन है, आप एक्टिव भी कर सकते हैं खुद से, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.5 इंचेस का स्पेस देता है टैब का, जो टैब की जो की होती है, तो टैब को हम इसलिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप बिल्कुल राइट साइड पे सीधे हाथ पे आप अपने कीबोर्ड को देखते हैं तो उसमें आपको कुछ नंबर्स मजीद नज़र आते हैं, तो वो जो नंबर्स होते हैं वो कहलाता है नम पैड, और उसमें आपके पास वो एक्टिव होंगे। अगर आप ऊपर देखें तो एक नम लॉक के नाम से की होती है, आप उसको एक्टिव करेंगे तो आपके कीबोर्ड में लाइट ऑन हो जाती है। अब डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लाइट लगी हुई होती है, तो वो लाइट ऑन हो जाती है नम लॉक की। एंड देन आप कुछ नंबर्स लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करके नंबर्स जैसे भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने कुछ लिख दिया, आपको अब कोई नेक्स्ट लाइन में जाना है, इस लाइन के बाद मुझे एक और लाइन लिखनी है, तो आपके कीबोर्ड में मौजूद होता है इंटर, एक की होती है आपके पास कीबोर्ड में इंटर, एंटर प्रेस करते हैं तो ये लग जाता है पैराग्राफ ब्रेक, सही है। तो ये होता है पैराग्राफ ब्रेक, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया। अच्छा, जब आप कुछ टाइप करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे स्पेलिंग जो है गलत लिखी, मुझे कैसे पता चल रहा है स्पेलिंग गलत है, क्योंकि ये जो रेड लाइन आ गई ये मैंने नहीं डाली, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई। तो अगर आप कुछ लिखते हैं और उसकी स्पेलिंग गलत है इंग्लिश के डिक्शनरी के मुताबिक, तो ये क्या करेगा, ऐसे रेड बार दे देगा। तो देन आप इसको सही कैसे करेंगे, ये आपको राइट क्लिक करेंगे, उस पर कर्सर जाके रखेंगे और अपने की जो अपना जो माउस है उससे आप राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा है कि शायद आप ये स्पेलिंग लिखना चाह रहे थे या ये लिखना चाह रहे थे। देन आप जाके मुझे ये लिखने दी तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास होता है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक कैसे करते हैं, मैंने पहले पैराग्राफ ब्रेक दिया और मैं यहाँ पर एक लाइन ब्रेक लगाना चाहता हूँ। लाइन ब्रेक क्या होता है, आप देखिए कभी आप पैराग्राफ चेंज करना चाहते हैं और कभी आप लाइन को तोड़ना चाहते हैं, पैराग्राफ नहीं चेंज करना चाहते लेकिन लाइन को तोड़ना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, मैंने बैक स्पेस किया और लाइन ब्रेक लगाया जाता है शिफ्ट एंड एंटर से, ठीक है। पैराग्राफ ब्रेक लगता है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ कि आप इंटर यूज़ करेंगे तो आपके पास पैराग्राफ ब्रेक लग जाएगा, और लाइन ब्रेक के लिए आप यूज़ करते हैं शिफ्ट की और प्लस एंटर की, ठीक है। उसके बाद एक और ब्रेक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करता है कि आपका पूरा पेज का ही ब्रेक लगा दे, मतलब पेज को ही तोड़ देगा, कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ लाइन ब्रेक तक मैंने लिखा है, ठीक है, देखें यहाँ पर ये मेरे पास पेज है, मैं चाहता हूँ इसके बाद इसके नीचे कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, ये जो पेज ब्रेक लिखा हुआ है ये नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए, यानी नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ इस पेज पे इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर पेज ब्रेक जो है मुझे एक दूसरे पेज पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर को रखता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, ये ब्लिंक कर रहा है और मैं प्रेस कर दूंगा कंट्रोल एंड एंटर। तो जैसे ही आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये पेज ब्रेक लग गया, और इसके बाद आप कुछ भी इस पेज पे नहीं लिख सकते, आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ तीन तरह के मैंने आपको ब्रेक बताए हैं, इसकी की भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस एंटर, ओके। तो ये होते हैं हमारे पास ब्रेक्स, एंड मैंने आपको बताई स्पेसेस, टैब्स, कैपिटल में लिखना हो तो कैपिटल कैसे लिखते हैं, स्मॉल लिखना हो तो स्मॉल कैसे लिखते हैं।
अच्छा, इसके अलावा एक और बात कि आपकी कीज़ में अगर आप देखें तो जैसे थ्री आपको नज़र आ रहा है, तो थ्री के ऊपर एक हैश का मार्क बना हुआ है। तो अगर मैं सिंपल ऐसे ही लिख देता हूँ, ऐसे प्रेस करता हूँ की को, तो थ्री आएगा, और जो भी मार्क्स आपको कीबोर्ड की कीज़ पे ऊपर नज़र आ रहे हैं वो आपको मिलेंगे शिफ्ट प्रेस करके। आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और उस की को प्रेस कर देंगे, जैसे आपको क्वेश्चन मार्क बनाना, तो ये शिफ्ट के बराबर में स्लैश के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है। शिफ्ट प्रेस करके आप वो की प्रेस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आपको एट द रेट का, आपको परसेंटेज का मार्क चाहिए, तो अगर आप ऐसे ही प्रेस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और अगर आप एट द रेट के साथ प्रेस करेंगे, सॉरी, अगर आप शिफ्ट के साथ 5 को प्रेस करेंगे तो आपको ये मिलेगा परसेंटेज का मार्क। तो आप शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करते हैं तो आपको जो ऊपर वाले सिंबल्स हैं वो मिलेंगे, और अगर आप विदाउट शिफ्ट प्रेस करते हैं तो वो नीचे वाले सिंबल्स या मार्क्स जो भी हैं वो आपको दे देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।